नमस्कार दोस्तों, माम टॉट वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंतरा और आज का हमारा टॉपिक है 8 से 10 महीने के बच्चों का डाइट चार्ट। इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें डिस्कस किया था कि 8 से 10 महीने के बच्चों को हम क्या क्या खिला सकते हैं, मतलब कौन सी नई नई चीज़ों को और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना हो, इसके बारे में जानना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट चार्ट के बारे में। तो एक और छोटी सी चीज़ बतानी है मुझे यहाँ पे कि हमने अब सॉलिड्स देना स्टार्ट किया है बच्चों को, मतलब सॉलिड्स बढ़ा रहे हैं, बच्चे की मील्स बढ़ा रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बच्चों को ज़्यादा खिलाना है और बच्चे को जो बच्चा मिल्क लेता है, मिल्क इनटेक जो है बच्चों का, वो कम हो जाए। हमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाना है और बच्चे का जो मिल्क इनटेक है उसे बरकरार रखना है, क्योंकि बच्चे को अभी जो एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मुला मिल्क से ज़्यादातर मिलती हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको अभी साल भर तक एटलीस्ट बच्चे को हो सके तो ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और फॉर्मुला मिल्क जो देते हैं वो दीजिए। तो ये जो दूध है वो कितना देना चाहिए, मतलब कि या तो बच्चे को हम ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं या फॉर्मुला मिल्क देने हैं, वो कितना देना होता है। तो आप बच्चे को अगर फॉर्मुला मिल्क दे रहे होंगे, ज़रूर दे रहे होंगे, क्योंकि सब पेरेंट्स अगर ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो फॉर्मुला मिल्क इस एज में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो फॉर्मुला मिल्क की जो पैकेजिंग होती है उसके पीछे आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें लिखा होता है कि बच्चे को हमें इस एज में कितना दूध देना होता है और कितनी बार देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नैन का एग्जाम्पल देती हूँ। नैन प्रो का जो पैकेजिंग है उसके पीछे क्या लिखा है, आप जैसे चार्ट में देख सकते हैं कि 3 से 4 बार बच्चे को देना है। अभी कितना देना है, 210 ml बनाकर देना है एवरी टाइम। तो 3 से 4 बार आप बच्चे को दीजिए और उसके बाद ही आप सॉलिड्स को उसमें एडजस्ट करिए। तो जो मैं डाइट चार्ट बता रही हूँ, ये डाइट चार्ट जो होता है वो हर बच्चे का अलग अलग होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे का रूटीन बहुत अलग होता है और उस रूटीन के हिसाब से हम बच्चे के डाइट चार्ट को बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने बच्चे का डाइट चार्ट बता सकती हूँ, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसा होना चाहिए एक सैम्पल डाइट चार्ट, और आप अपने बच्चे के जैसे कि रूटीन है जो बच्चे का उसमें सेट कर ले। क्योंकि कोई बच्चा जो है वो 6 बजे उठता है, कोई बच्चा 9 बजे उठता है, और उस हिसाब से ही बच्चे की रूटीन होती है, तो आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। मेरा बेटा जो है आदू, वो 7 बजे उठता था, 7 बजे के अराउंड कुछ उठता था, और 7 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं उसे फीड करती थी, और फीडिंग के ठीक 1.5 घंटे के बाद, मतलब कि 8:30 बजे के अराउंड, हम उसे ब्रेकफास्ट कराते थे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि बच्चे ने अभी दूध पिया है और दूध पीने के थोड़ी देर बाद ही अगर हम उसे कुछ खिला देंगे तो बच्चा ठीक से नहीं खाएगा। तो इसलिए हमें 1.5 या 2 घंटे का गैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने 1.5 घंटे या 2 घंटे का गैप रखा है और उसके बाद भी बच्चा नहीं खा रहा है, तो आप उस गैप को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जैसे 2.5 घंटा या 3 घंटे का गैप कर दीजिए, फिर बच्चा ईजिली खा लेगा, क्योंकि बच्चे को भूख लग रही होगी उस टाइम पे। तो आप भी ऐसा करके देखिए, 1.5 घंटे का 2 घंटे का गैप रखिए। और 1.5 घंटे बाद मैं 8:30 बजे वो ब्रेकफास्ट करता था, और इस ब्रेकफास्ट में वो खाता था दूध रोटी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे दूध रोटी देती थी, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में ही बताया है, बहुत हेल्दी होता है दूध रोटी देना बच्चों को, बहुत हेल्दी तरीके से बनाकर देती थी मैं उसे, बहुत सारी चीज़ें डाल के एक्चुअली। फिर ये जो ब्रेकफास्ट होता था उसका दूध रोटी, कभी कभी मैं उस पर चेंज करती थी, जैसे कि कभी सूजी का उपमा दे दिया, या कभी पोहा दे दिया सॉफ्ट सॉफ्ट बना के, या तो फिर कभी चीला दे दिया। और ये ब्रेकफास्ट के ठीक 1.5 घंटे के बाद हम उसे फिर दूध देते थे। दूध दिए मतलब कि 10 बजे के अराउंड दूध देते थे, और दूध देने के फिर ठीक 1.5 घंटे बाद, मतलब कि अराउंड 11:30 के अराउंड, हम उसे फिर से हल्का सा कुछ मिड ब्रेकफास्ट देते थे। ये बहुत ज़्यादा लाइट ब्रेकफास्ट होता था, ताकि बच्चे को फ्रूट्स मिल जाए। इसे देने का सिर्फ यही मोटिव था कि उसे फ्रूट्स मिल जाए, और फ्रूट्स जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और बच्चे को हैवी नहीं लगेगा, और बच्चा फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लेगा। तो इसलिए हम उसे 11:30 बजे के अराउंड फ्रूट्स देते थे, और उसके फिर ठीक 1.5 घंटे के बाद हम उसे 1 बजे खाना खिलाते थे, मतलब कि लंच होता था उसका। ये लंच होता था वो दाल चावल इस तरह से खिलाते थे, घर में जो भी सब्जी बनी है उसका मसाला कम उतार दिया, उसके बाद अपने लिए बना लिया, तो सब्जी देते थे दाल चावल के साथ मैश करके। अब 1 बजे खाना खा लिया बहुत अच्छे से, उसके बाद वो बहुत अच्छे से सोता था, 3-3.5 घंटा वो आराम से सोता था। 8 महीने का या 9 महीने का था तब के टाइम पे। 4:30 बजे के अराउंड जब वो उठता था तो सबसे पहले दूध पीता था, उसके 2 घंटे के बाद मतलब कि 6:30 बजे हम उसे डिनर कराते थे, और ये जो डिनर होता था वो होता था दलिया। हम उसे बहुत दलिया खिलाए हैं एक्चुअली। जब वो 8 महीने का था और दलिया खाना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी लंबे समय तक हमने दलिया खिलाया उसे। अब वो
दो साल का हो रहा है तो दलिया का जो फ्रिक्वेंसी है हमने काफी कम कर दिया है, पर पहले तो ऐसा होता था कि हफ्ते में 5 दिन वो दलिया ही खा रहा है क्योंकि वेराइटीज बनाते थे दलिया की तो उसे बोर नहीं लगता था। और बीच में 2 दिन चेंज कर दिया, जैसे कि कभी खिचड़ी बना के दे दिया दाल चावल की, या तो फिर कभी रोटी को ग्राइंड करके दाल के साथ दे दिया, तो इस तरह से थोड़ा चेंज भी करते थे, उसको बोर नहीं लगता था और वो इजीली खा लेता था। तो ये हो गया 6:30 बजे का उसका डिनर। उसके बाद ठीक 2 घंटे बाद मतलब कि अराउंड 8:30 बजे वो फिर दूध पीता था और फिर सो जाता था। तो ये था मेरे बेटे का पूरे दिन भर का डाइट चार्ट। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि किस तरह से हमें बच्चे को दूध भी देना है और मील्स भी देनी है, किस तरह से मैनेज करना है। आप अपने बच्चे की रूटीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आई होप आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको लगता है हमारी वीडियो अच्छी है, लगता है आप हमें फिर से देखना चाहते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियोज देखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन उसे हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अगर आपको लगता है लाइक करना चाहिए वीडियो को, शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।